अच्छा यार, आज दी स्टोरी दो भाई वालों की है। बा किसी इलाके च को दो भाई वाल हैं ना, तो आपस रिश्तेदार भी हैं, तो उन्होंने रल के कारोबार शुरू कर लिया। भाई मझां दा बाणा बना लेने, अद्धे पैसे तेरे ते अद्धे मेरे ते, नफा भी अद्धो अद्ध, नुकसान भी अद्धो अद्ध। बाणा उन्होंने सजी बना लिया, दुद्ध हो गया कोई त्रै चार बाण उन्होंने बाणे का, नाल सेल परचेज भी शुरू कर छोड़ी, खरीदो फरोख्त। भाई डंगर खरीद रहे, डंगर बेच रहे, त्री त्री चाली चाली पंजा पंजा हज़ार नफा आने लग गया उन्होंने बाणे के। अल्लाह की खैर हो गई। एक दिन उन्हें जो एक भाईवाल आता है दूसरे भाईवाल को कि यार मैं किसी बंदे को लेने पैसे, अपने जाती पैसे ने मेरे, तो बंदा मैंने बड़े गेड़े देता खलोता है, तो चल उस बंदे को पैसे उगाड़ के अभी सुने वो बंदा खाने वाल डंगर मंडी बच्छा पकड़ के खलोता है। आप चल के वह बच्छा ले आने, इतने बाणे बन देने, पैसे देगा तो बच्छा अपना वापसी लैके जाएगा। वो दो भाईवाल टुर पे भाई, वो जल्द टुरे ना तो कुदरती गल है, जल्द किसी माड़े से अटैक करना हो तो नाल चार जी होर ही खलो वे, पता होंगे ना अगला माड़ा बंदा की कर सकता, साढ़ा कुछ नहीं कर सकता। इतू पे पांच सात बंदे टुर पे, जल्द खाने वाल डंगर मंडी के सामने पहुंचे तो कुदरतू वो बंदा जिस बंदे पैसे भरने हैं वो बच्छा रक्शे लोड करके तो रोड से चढ़ता भी आई। वो याई रोड से चढ़िया तो उन्होंने जाके जी एक लोडर होर पकड़िया, उस लोडर के वाला बच्छा वो जू कड़ के अपने पा के बच्छा लैके बाणे च आ गए। वह बंदे पिछू बजदा, खैर भी जल्द वो बंदा बाणे च आया ना तो उस गल आखी कि यार बच्छा मेरा नहीं, मेरे तो हालात बड़े माड़े, मैं किसी की अमानत तौर बेचण वास्ते आया, मैं अपनी मजदूरी की खातर, पर बच्छा ने विकिया भी मैं अपनी मजदूरी रख ले स, बाकी पैसे मालिक ने दे दें, तो बच्छा विकिया ने जे बच्छा मैं वापसी ना हटाया तो यार मेरे वास्ते गल माड़ी हो सी। उस बड़ी मेहनत तरला की तरले की भाई वाल अगला ना मनिया, जे बंदे पैसे लेने उस सके मैं पैसे लाए बगैर बच्छा नहीं छोड़ना। खैर भाई उस बंदे ने कोई फोन शोन घुमाए अगर पिछा, एक बंदा वह आ गया फरिश्ता बन के, उस पूछे हाँ जी कितने पैसे लेने, वो बंदे ने जी पैसे अदा कर छोड़े। जल्द बंदा निकलन लगे ना तो जेडे बंदे ने पैसे भरने उस एक गल की, उस यार मैं वो बंदे ही बर्बाद होंगे वेखे जी इन्हें एक एक हज़ार मज आई, तो यकीन करो खुरलियाँ तक वेख गई उन्होंने, तू मेरे ज्यादा कर गया माड़ा किते, पैसे इतने कोई ना जितना तुम मेरे जुलम किते। खैर भी बंदा बाहर निकल गया चला गया, कई दिन गुजरे, वह दिन ना कि अल्लाह की कुदरत मुड़ आती होंगी है अपनी हरकत है, उन्हें भाईवाल अंदर मैं तलखियाँ शुरू हो गई उस जी, उन्होंने कोई गां ली गां सूई, उदा बच्छा मर गया, दो लख भी हज़ार की गां ही पी नुकसान न वेचनी पै गई, शुरुआत हो रही है ना जवाल की। करद्या करा ने उसता जी कान थोड़े के खावी कि उन्होंने बाणा तक वेग गया, खुरलियाँ तो खुरलियाँ, बाणा ही खत्म तो वेग गई जगह भी। मेरी जान दे टोटो सारी ताकत के खजाने मेरे परवरदिगार को लेने पे। कुरान मजीद आद कि किसी को पैसे लेने ना तो रब कुरान ने फरमाया कि तुसा अगर वो बंदा नहीं भर सकता तो उन्होंने माफ़ कर दो, अगर माफ़ कर दे सो तो मैं जामे ना मेरे को पैसे ले लो, मैं भरसा थोड़े पैसे, अगर माफ़ ना कर सको तो उन्होंने मोहलत दे छोड़ो ताकि यार आराम ना लो थोड़ी पैसों की अदायगी कर सके, लेकिन अगर अपना ताकत या जोर भी खेसो तो मुड़ मैं उस स्टेज पर लिया के तुम्हें खड़ा कर दसा जी स्टेज पर बंदा खलोता होंगे अगला मोहताज बंदा। बाणा तक खत्म हो गया मेरी जान दे टोटो। गल करन दा मकसद यह है कि बंदे अपने बंदे ताकत का बड़ा माण होंगे कि यार असं इंज कर देंगे तो वो कर देंगे तो बन के लै लेंगे, कभी भी कोई किसी नहीं बन सकता होंगे, तुसा बन के वेख लवे जी दर तुसा किसी को बनोगे, खुदा की कुदरत मेरा इस चीज़ से ईमान है, अल्लाह पाक तुम्हें बन के उसे मकाम पर लिया खड़ा कर देगा।